स्क्रीन विजिबल यस मैम। है? ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिसर्च की क्लास। तो रिसर्च की क्लास हो या किस कोई भी आप चीज पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। बिना सिलेबस के किसी भी चीज के लिए तैयारी करना या किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहला चीज आपके पास सिलेबस होनी चाहिए होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक, सो जो ये क्लास है आपकी, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में हम सिलेबस देखेंगे क्या है। यूजीसी ने जो सिलेबस दिया रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो इन 6 पॉइंट्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारी, हम रिसर्च के बारे में क्या इसका मतलब होता है, हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसर्च का क्या मतलब है, इसके कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप की रिसर्च है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ये सिलेबस मैं आपको इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बैच आपका हिंदी मीडियम है। जो नोट्स है, वैसे रिसर्च ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हिंदी के कठिन शब्दों को जानने की जरूरत है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड है जो हिंदी में आपको जानने चाहिए वो मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि ऑल्दो आप हिंदी मीडियम बैच के बच्चे हो, बट जब भी आप रिसर्च का पेपर सॉल्व करना, उसको आप एक बार हिंदी में पढ़ने के बाद में इंग्लिश में भी पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदी का पेपर होता है वो जस्ट उसका एक ट्रांसलेशन होता है, तो वो एग्जैक्ट चीज नहीं बताता जो इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो उसमें। सो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये पहले पॉइंट में ये चीजें कवर करेंगे हम। सेकेंड है कि मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च किस तरह से की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब कि कुछ हम उसमें डेटा का यूज कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसमें कुछ हमारे पास में डेटा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोई कुछ बोल रहा है? नो कोई कुछ मैम। बोल रहा है प्रश्न? ओके, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है हमारी। इसमें किसी भी, अगर हम सपोज हमने एक टॉपिक ले लिया सोसाइटी फॉर एग्जांपल, और तो अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है हमारी, तो हम सोसाइटी को ही एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है जिसमें हम किसी भी चीज से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये कहा कि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, तो अगर हिस्टोरिकल रिसर्च है तो हम ये देखेंगे कि जो मेडिटेशन है वो कहाँ से आ रहा है, उसका उद्गम स्थल क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, किन किन ग्रंथों में। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, तो प्लीज कॉपरेट। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम देखेंगे कि मेडिटेशन है उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, किन किन टेक्स्ट में उसके बारे में हमें बताया गया है, ये सब हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। क्वांटिटेटिव सिग्निफाई करती है कि जब हम किसी भी चीज को न्यूमेरिक वैल्यू में अगर एक्सप्रेस कर सके, क्वांटिटी में बता सके। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि अगर हमने ये कहा कि साउंड स्लीप अगर आप ले रहे हैं, आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं, गुड क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, अगर इस बारे में हम कुछ भी बात बता रहे हैं तो ये हमारी क्वालिटेटिव में आ जाएगा। बट अगर हम ये कहें कि आप 8 घंटे की नींद अगर ले रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, तो वहां पे क्वांटिटी की बात आएगी कि स्लीप में भी हमने क्वांटिटी बता दी कि अगर 8 घंटे की आप नींद ले रहे हो तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव मेथड में आ जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च के तो बहुत सारे टाइप्स है, बट हम स्टिक करेंगे यूजीसी ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया पढ़ने के लिए, जो यूजीसी ने हमें बताया है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये रिसर्च है जो हमें पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए। और जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, सब्जेक्टिव तरीके से नहीं, क्योंकि
क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। इसमें रिसर्च के क्या स्टेप होते हैं कि अगर हम रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अगर हमें किसी चीज पर रिसर्च करनी है तो हम लोगों को पकड़ के डेटा कलेक्ट करेंगे। एक उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, एक रिसर्च सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं कि पहले हम अपनी प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे क्या है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हमें रिसर्च में आगे बढ़ना होता है। वो स्टेप्स क्या है इस पार्ट में, वो पूरा चीज है आपकी। नेक्स्ट है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। हम सबको पता है कि जब आप अगर नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो पीएचडी में आपको पीएचडी कंप्लीट होते होते अपनी थीसिस लिखनी होती है, ठीक है। आपको आर्टिकल लिखने होते हैं, मतलब आपको पेपर पब्लिश कराने होते हैं अपने। तो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा और जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो कौन कौन से टाइप के होंगे। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। पहले क्या होता था कि अगर लोग किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो हर चीज उनको मैनुअली करनी होती थी। सपोज उन्हें डेटा कलेक्ट किया तो वो कैलकुलेट मैनुअली करते थे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, सब कुछ उन्हें हाथ से करना होता था। बट अभी आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का इतना यूज बढ़ गया रिसर्च में, लेकिन आपके पास में डेटा है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SPSS लेते हैं तो आप अपना डेटा SPSS में एंटर करेंगे, वो आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा। तो पहले जिस चीज को करने के लिए महीनों लगते थे, अभी वो काम हमारा मिनटों में हो जाता है। तो ये जो ये आईसीटी का अप्लाई किया हमने रिसर्च में, इसने हमारी रिसर्च को कैसे और ज्यादा हमारे लिए इजी कर दिया, हम वो देखेंगे। लास्ट हमारा है रिसर्च एथिक्स, कि रिसर्च करते टाइम कौन कौन सी ऐसी मॉरल कंडक्ट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो जिससे जिससे अबाइड होके ही हमें रिसर्च करनी चाहिए। कि सपोज आपने नाम सुना होगा कि प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई पेपर लिख रहे हो, आपकी थीसिस है, तो प्लेगरिज्म का एक परसेंटेज होगा कि उससे ज्यादा अगर आपका प्लैग आ रहा है तो वो उसको डिनाई कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, हम इन्हीं से इन्हीं पे स्टिक रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास आगे फर्दर बढ़ेगी। इस सिलेबस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अगर आपको ड्यूरिंग द क्लास कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं बोल भी रही हूँ तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं हुई है, ओके। फर्स्ट चीज है हमारी, जैसे यहाँ पे हमारा मीनिंग था एंड आज हम मीनिंग देखेंगे रिसर्च की क्या होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या होती है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब आप रिसर्च पढ़ रहे हो, पांच क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपको रिसर्च के लिए अलॉट होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ में, जैसे मैं बता रही हूँ, करते जाएंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, अपने सामने आपको एक सिलेबस रखना है, ठीक है। आप सिलेबस देख के उसको पढ़ेंगे एंड आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। आई थिंक सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले ली होगी या PDF वगैरह डाउनलोड कर लिए होंगे। तो आप उसमें जाके डेली का डेली जब मैं पढ़ा रही हूँ, आप जाके देख सकते हो कि क्या वहां से आपको मिल रहा है, क्या क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उससे बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो वो आप सॉल्व करके देखेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने के बाद में नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आपके 10 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है। रिसर्च बहुत एक इजी कह सकते हैं आपके लिए होने वाला है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो, ओके। नाउ मीनिंग, रिसर्च की मीनिंग क्या होती है? हमें पता है कि जो रिसर्च है वो दो चीजों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। कोई भी चीज जब हम दोबारा कर रहे हैं। सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। जब हम किसी भी चीज को दोबारा ढूंढ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च, दोबारा सर्च कर रहे हैं, ओके। द टर्म रिसर्च इंक्लूड्स टू वर्ड्स। रिसर्च में हमारे दो वर्ड्स आते हैं, स्पेसिफिकली री एंड सर्च। री सिग्निफाइज अगेन, री का मतलब होता है दोबारा, मैंने अभी आपको बताया। एंड सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना, डिस्कवर करना,
ठीक है, तो रिसर्च का मतलब है कि जो चीज ऑलरेडी है हम उसमें ही कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं। ठीक है, क्रेसवेल ने रिसर्च को डिफाइन किया, रिसर्च इज अ प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स। रिसर्च में कुछ एक स्टेप होते हैं, ठीक है, कुछ एक लाइक आपके सेट फिक्स हम कह सकते हैं, कुछ स्टेप होंगे यूज टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, जिनकी यूज से, जिन स्टेप्स का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं कि वो कैसे हमारे काम आ सकती है। देखो, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम जो टॉपिक लेके चले उसमें ये हमारे कैसे काम आ सकती है। गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। जो टॉपिक लेके हम चले, जो प्रॉब्लम लेके हम चले, रिसर्च अगर हम किसी भी प्रॉब्लम पे कर रहे हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली उसको एनालाइज करके हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपका रिसर्च का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या लक्षण होते हैं जो आप रिसर्च कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, कि जो आपकी रिसर्च है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए आप जो रिसर्च कर रहे हो। फर्स्ट चीज उसमें क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, कि आपके क्वेश्चन आए उसमें आपके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन चारों में से जो सबसे सही ऑप्शन होता है आपको उसे टिक करना होता है। तो आपकी जो रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए उसमें, आपका कोई ओपिनियन नहीं मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, तो आप इसको जब सब्जेक्टिव में लिखोगे तो आप कुछ भी उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हो कि हाँ मतलब मेडिटेशन अगर सही तरीके से किया जाए तो स्ट्रेस कम हो सकता है, या इस पर्टिकुलर मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो सकता है। एंड बाद में आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो कि हो सकता है इससे स्ट्रेस कम हो सकता है ना हो, या और भी तरीके हो सकते हैं स्ट्रेस कम करने के। तो ये सब्जेक्टिव आंसर हुआ। बट अगर ऑब्जेक्टिविटी में आप जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ यस या नो बताना होगा, ठीक है। तो क्या मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होगा, इसके लिए आप प्रॉपर कुछ सैंपल ले सकते हो, उस पे आप अपना इंटरवेंशन दे सकते हो उनको। उसके बाद में जो भी डेटा आएगा आप उसको आप अपने हिसाब से एनालाइज करोगे डेटा को, और अगर उस डेटा में जो आपने सैंपल लिया उन लोगों का स्ट्रेस कम हो रहा है तो आप उसमें सिंपली कर दोगे कि यस, उसमें आपको और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आपकी रिसर्च होती है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, कोई बायसनेस नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं, आपके घर वाले क्या सोचते हैं, आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आपके पास जो मटेरियल है वो क्या कहता है, रिसर्च को इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई प्रॉब्लम लेके चले, उस प्रॉब्लम के लिए आप डेटा इकट्ठा करिए, कैलकुलेट करिए उसको, आप डेटा को एनालाइज करिए, डेटा क्या कहता है आपकी रिसर्च वही कहेगी। आप कुछ भी सोचते हो अगर आपकी रिसर्च में बायसनेस आ गई तो वो एक गुड रिसर्च नहीं है। तो जो रिसर्च है आपकी वो ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसमें वो सिंपली ये पूछेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, नीचे आपको चार पांच ऑप्शन दे देंगे, फिर जो आपको कूट देते हैं उसमें लिख देंगे कि वन एंड टू ओनली वन, ओके। सो ये जो चीजें हैं आप इनको बिल्कुल याद रखिए कि ऑब्जेक्टिविटी है तो आप बिल्कुल, आपको थ्योरी याद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो ये पर्टिकुलर ये जो वर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज उठ के आते हैं वर्ड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आपके माइंड में होने चाहिए। सेकेंड चीज क्या है, वैलिडिटी। आपकी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, इसको हिंदी में हम बोलेंगे वैधता, वैध होनी चाहिए आपकी रिसर्च। इन रिसर्च वी डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आपने जो टॉपिक उठाया आपको उसी चीज पे रिसर्च करनी है, आपको इधर उधर नहीं भागना है, तभी आपकी रिसर्च वैलिड होगी। सपोज अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि योगा से बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है, ठीक है, तो आपने इस चीज को लेकर स्टार्ट किया, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, बच्चों के इंटरवेंशन दोगे, डेटा कलेक्ट करोगे,
फिर उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने बच्चों को योगा इंटरवेंशन दिया और सपोज उससे बच्चों की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी हो गई, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फिर अपनी रिसर्च में जाके फिजिकल हेल्थ के बारे में भी बताने लगे, क्योंकि आपने स्टार्ट किया था मेंटल हेल्थ पे, सो आप एंड भी मेंटल हेल्थ पे ही करोगे, तभी आपकी रिसर्च वैलिड होगी, यहाँ वहां नहीं भागना है। सो इन रिसर्च वी डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, तभी आपकी रिसर्च वैलिड होगी। थर्ड पॉइंट है क्रेडिबिलिटी, कि आपकी जो रिसर्च है वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उसमें एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो आप कैसे ले सकते हो अपनी रिसर्च में। सपोज आप कुछ रेफरेंस यूज करना चाहते हो अपनी रिसर्च में, सपोज एक आपने प्रॉब्लम ली कि अगर हम बच्चों को ताड़ासन करा रहे हैं तो उनकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो जब हम उस चीज को अपनी रिसर्च में यूज करेंगे तो हम प्रेफर करेंगे कि जो प्राइमरी डेटा है हम उसको यूज करें। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको पता है? किसी को कोई बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम, प्राइमरी डाटा रॉ डाटा होता है जिसमें जो हम अपने से कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जब हम दूसरे का डाटा यूज करते हैं। यस, प्राइमरी डेटा इज अ रॉ डेटा। तो अगर आप अपनी रिसर्च में क्रेडिबिलिटी चाहते हो, जो एक कैरेक्टरिस्टिक भी है रिसर्च का, तो आप हमेशा कोशिश करो कि आपको प्राइमरी डेटा लेना है। अगर आप कह रहे हो आपकी प्रॉब्लम है कि ताड़ासन का हम इफेक्ट देख रहे हैं बच्चों की हाइट पे, तो आप खुद उसको कलेक्ट करिए डेटा, रेदर देन कि आपने कुछ पेपर उठा लिए वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है एंड आपने उसको ही कोट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा हम प्राइमरी डेटा को ही प्रेफर करते हैं रिसर्च में, और जो भी बेस्ट टेक्निक है उस चीज के लिए, आपकी बात को सही सही या गलत गलत करने के लिए, तो हम जो बेस्ट टेक्निक है उसको यूज करेंगे, ठीक है। सो इस चीज ये आएगी हमारी क्रेडिबिलिटी में। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अगर उन्होंने ऐसा ही दे दिया, जैसे अगर आपसे ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने पूछी तो आप बता देंगे कि कोई बायसनेस नहीं है। सपोज वो ये पूछ ले कि इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ बायसनेस इन रिसर्च, अगर बायसनेस नहीं है रिसर्च में तो ये रिसर्च की कौन सी करेक्टरिस्टिक है, तो वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविटी। सपोज उन्होंने चार ऑप्शन दिए, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, तो वहां पे आप ऑब्जेक्टिविटी टिक करोगे। ओके, सो आपको दोनों तरफ से इसका पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो क्या है, और अगर बायसनेस है तो उसको हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम है जो मेंटेन करना है आपको। फोर, एक्यूरेसी, आपकी जो भी रिसर्च है वो सटीक होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो चीज आपकी रिसर्च में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपका डाटा उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आपकी जो भी रिसर्च है वो एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी सटीक है वो, ठीक है। फिफ्थ है रिलायबिलिटी, आपकी जो भी रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देखो, हिंदी और इंग्लिश में हिंदी में इन दोनों का मतलब विश्वसनीयता होता है, बट जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इन इन दोनों शब्दों के जो मायने हैं वो बदल जाएंगे। रिलायबिलिटी में हम तब कहेंगे कि कोई चीज रिलायबल है जब अगर आपने कोई रिसर्च करी, सपोज आपने कहा कि ताड़ासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, और आपने कहा कि 6 साल से लेकर 10 साल के जो बच्चे हैं अगर वो ताड़ासन कर रहे हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी, आपकी रिसर्च में ये बात कही, तो सपोज कोई दूसरा आया उसने 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे उठाए उनको ताड़ासन कराया, ठीक है, सेम कंडीशन एंड सेम मेथड। सेम कंडीशन ये है कि 6 से 10 साल के बच्चे हैं, सेम मेथड ताड़ासन है, कि अगर उसने सेम कंडीशन पे सेम मेथड यूज किया तो उसको सेम रिजल्ट अगर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्या है कि जो बेस्ट टेक्निक हम यूज कर सकते हैं वो करें, हम प्राइमरी डेटा को प्रेफर करें, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। रिलायबिलिटी तब होगी जब आप सेम कंडीशन में सेम मेथड लगा रहे हो और सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो आपकी रिलायबिलिटी होगी। यहाँ पे एक दूसरी चीज भी होती है, रेप्लीकेबिलिटी। सुनने में आपको सेम चीज लगे कि रेप्लीकेबल मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दोबारा हम वैसा ही अगर कॉपी कर दें तो रेप्लीकेबल वो होता है, जैसे बोलते हैं ना कि ये इसका रेप्लिका है, ठीक है। लड़कियां समझ पाएंगी कि जो लहंगे होते हैं, डिजाइनर लहंगे होते हैं, सपोज मनीष मल्होत्रा ने कोई लहंगा बनाया
और मार्केट में उसका रेप्लिका आ जाता है। रेप्लिका मतलब उसकी कॉपी, ठीक है। सो देखिए, अगर मनीष मल्होत्रा ने कहीं का डिजाइन किया और आपने उसका रेप्लिका लाया, तो रेप्लिका में आप डिफरेंट कंडीशन यूज करोगे। ऑब्वियस ही बात है, रेप्लिका सस्ता होगा तो आप डिफरेंट, आप उसमें फैब्रिक यूज कर सकते हो, डिफरेंट मेथड यूज करोगे उसमें, आप उस लहंगा को बनाने में, बट वो सेम रिजल्ट देगा आपका। रिजल्ट जो लहंगा आपका आएगा वो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे कि ये बिल्कुल इस सेलिब्रिटी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये आपका रेप्लीकेबल है। तो रिलायबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी में ये डिफरेंस होता है कि जो रिलायबिलिटी है वो सेम कंडीशन में सेम मेथड लगाएंगे हम और सेम रिजल्ट मिलेगा, बट रेप्लीकेबल में क्या है कि डिफरेंट कंडीशन होगी, डिफरेंट मेथड होगा, बट रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ओके, कोई डाउट है इसमें, इन 5 पॉइंट में? नो मैम, नेक्स्ट, आपकी जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए आपकी रिसर्च, कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप आज गए, आपने कुछ पेपर उठा के पढ़े, कल आप गए, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप परसों गए, आपने रिसर्च सबमिट कर दी, ऐसे नहीं। रिसर्च हमेशा उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में भी है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपकी जो भी रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आप एक सिस्टम से चलोगे, सबसे पहले आपकी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम होगी आप वो उठाओगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे कि उसके ऊपर कितना काम हो चुका है आप वो देखोगे, काम हुआ है या नहीं हुआ है, या जो काम हुआ है उसमें से आपके काम का क्या है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाओगे, आप रिसर्च डिजाइन करोगे कि आप क्या, कौन सी टाइप की रिसर्च यूज करोगे उसमें, एक्सपेरिमेंटल यूज करोगे, डिस्क्रिप्टिव करोगे, आप कौन सा डिजाइन यूज करोगे उसमें, डेटा कलेक्शन होगा उसके बाद में, फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे एंड देन आप उसको रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। तो रिसर्च आपकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे रिसर्च में। नेक्स्ट है, आपका जो रिसर्च है वो साइक्लिक होगी आपकी। साइक्लिक का मतलब क्या है कि आपकी जो भी रिसर्च है चक्रीय है, मतलब एक सर्कल बनेगा। आपकी जो भी आपकी रिसर्च है वो एक प्रॉब्लम से शुरू होगी और एक प्रॉब्लम पे ही खत्म हो जाएगी। ये कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है कि जैसे सपोज अगर आपने ये कह दिया कि ताड़ासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, 6 से 10 साल के बच्चों की हाइट बढ़ती है, आप ये प्रॉब्लम लेके चले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सपोज आपने इस पे फिर रिसर्च अपनी सबमिट कर दी, कोई आया उस वो देखेगा कि आपकी रिसर्च में क्या गैप है, क्या मिस हो रहा है। तो सपोज वो ये करे कि उसको, आपने अगर 6 से 10 साल के बच्चे लिए तो वो उसको इंक्रीज कर दे, उसका जो एज है बच्चों की या डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो जो रिसर्च है वो हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और एक प्रॉब्लम पे खत्म होती है। आपने बच्चों के बारे में बात करी, हो सकता है कोई बड़ों के बारे में बात करे, एडल्ट के बारे में बात करे कि ताड़ासन एडल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, या ताड़ासन से अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या और इसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, और किस तरह से बेनिफिशियल है। तो जो भी रिसर्च है वो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। मे बी आप अपने अपने तरफ से उसको कंक्लूड कर दे, बट कोई दूसरा आके उसी भी चीज उसी चीज पे काम करना स्टार्ट कर सकता है विद सम ऑल्टरेशन, ओके। तो जो रिसर्च है आपकी वो हमेशा साइक्लिक होगी। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो लॉजिकल होगी, तार्किक होगी। आप उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते कि आपका कुछ मन कर रहा है, आपका कुछ ओपिनियन है, आपके दोस्त ने कुछ कह दिया तो आपने उस चीज में लिख दिया, आपने कुछ पढ़ लिया तो लिख दिया। आप जो कुछ भी उसमें कर रहे हो, आप उसका लॉजिक देने में अगर एबल हो, वो तभी आपकी रिसर्च लॉजिकल बनेगी, अदरवाइज उसको इलॉजिकल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है, एंड केयरफुली आपको अपनी रिसर्च में उस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि आपकी जो भी रिसर्च है वो लॉजिकल है। तो आपने जो ये अभी 8 चीजें पढ़ी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी ऑल्सो, एंड सिस्टमैटिक, साइक्लिक एंड लॉजिकल, इन इस पूरे पार्ट से आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
हर साल एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन इस इन चीजों से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमने सिलेबस देखा उसमें से आज हमने क्या पढ़ा, रिसर्च क्या होता है हमने वो देख लिया, रिसर्च की मीनिंग देख ली क्या होती है, एंड रिसर्च के हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए कि क्या होते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक। स्पेशली हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक देखे रिसर्च के। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इन सब चीजों में से कोई डाउट है जो आज आपने पढ़ा, तो वो आप मुझसे पूछिए। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप उसका आंसर करोगे। ये कोई लेक्चर मेथड नहीं है कि मैं आई, मैंने पीपीटी चला दी, मैंने बोल दिया और क्लास खत्म। आप भी अपने इनपुट दीजिए इसमें, क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। ओके okay? मैम अभी तक जो आपने बताया वो तो क्लियर हो गया था। यस इक्षा, यस मैम, आपने ना जो पढ़ाया अभी तक क्लियर हो गया, यही बोलना था मैम। ओके okay. कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो मैम, आज का होमवर्क क्या रहेगा आप मुझे बताइए। आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको इसका जो सिलेबस है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च का सिलेबस आपके पास में होना चाहिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक तो आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, आई थिंक पेपर वन की। पेपर वन में कौन सी क्लासेस कंप्लीट हो गई मैम है आपकी? एक तो एनवायरनमेंट हो गई कंप्लीट, ओके ओके लॉजिकल भी हो कम्युनिकेशन गई मैम, कम्युनिकेशन भी हो गया, हायर एजुकेशन चल रही है। नो टीचिंग हो गया है। मैम अभी नहीं हुआ। ओके सो अब तक तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज कर लिए होंगे, आप सॉल्व कर रहे होंगे ना बाकी सब्जेक्ट्स का? मैम मेरे पास ना वो जो 10 ईयर के अनसॉल्व पेपर आता हाँ है ना वो है मेरे पास। ओके वेरी गुड। तो यस आप सब लोग अगर जो नहीं परचेज करना चाहते, नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आराम से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और हर साल सपोज इतने सारे सब्जेक्ट से यूजीसी में, तो हर साल जो पेपर आते हैं उनके बहुत सारे सेट्स बनते हैं, ठीक है। सपोज 2023 का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे सेट्स बनेंगे आपके, तो आप बहुत सारे सेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो नहीं परचेज करना चाहते। अगर किसी को हार्ड कॉपी प्रेफर करता है तो वो ऑब्वियसली उसे लेना पड़ेगा। तो आप अपने सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, सिलेबस रखिए, मेरी आपसे यही दो डिमांड है। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको डेली जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर्च करना है कि आपको कहाँ पे मिल रहा है वो, कहाँ नहीं मिल रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा आप जो पढ़ रहे हो आपके लिए कितना यूजफुल है या नहीं है। ओके ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप परचेज ही कर लो, आप उसका अल्टरनेटिव देख सकते हो, आप डाउनलोड कर लो, कैसे भी करो, बट आपके पास में होना चाहिए। ओके आज की क्लास के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास खत्म करती हूँ। नो मैम, कोई एंड वन डाउट मोर नहीं। थिंग, आप लोग ट्राई किया करिए कि आपकी जो इसके प्रीवियस क्लास होती है उसमें आप लाइक देखिए, अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे टीचर बताता रहेगा, तो आप ट्राई किया करिए कि 9 बजे तक आप अपनी क्लास को उसको फिनिश कर दें, ताकि मैं 9 बजे से स्टार्ट कर सकूं क्लास। ओके okay? बिकॉज मुझे ना 10 o'clock जाना होता है, तो आपकी क्लास आपका ही फिर उसमें लॉस होगा, क्योंकि मैं फिर अल्टीमेटली 10 बजे क्लास स्टॉप कर दूंगी, आपकी क्लास चाहे जितनी देर में वो खत्म हो।